कला, जीवन शैली, वेशभूषा और सांस्कृतिक विविधता को अपनाकर आदिम संस्कृति को संरक्षित करने वाले तहसील के हजारों आदिवासी भाइयों और बहनों की उपस्थिति में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शहर के प्रसंग लॉन में एक भव्य सभा और रैली का आयोजन जिला परिषद नागपुर अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे की अध्यक्षता और समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस आयोजन और रैली में आदिवासी क्षेत्रों से कलाकार और विभिन्न क्षेत्रों से आए आदिवासी बांधवों ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति देकर आयोजन में चार चांद लगाए। रैली का उद्घाटन नागपुर जिला परिषद की अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे ने कर अपने आदिवासी भाइयों को अपने समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए तथा अपने परिवार और समाज के उत्थान के लिए प्रयास करने का निवेदन किया। इस कार्यक्रम के बाद प्रसंग लॉन बस स्टेशन से वार्ड नंबर 16 किल्लापुरा तक हजारों की संख्या में उपस्थित समाज बांधवों ने एक लंबी रैली निकाली, जिसमें पारंपरिक परिधान, वाद्य यंत्र, ढोल नगाड़े पहने युवाओं और महिलाओं की भव्य रैली आकर्षण का केंद्र। आयोजन की सफलता के लिए विष्णु कोकड्डे, राजेश खंगारे, मित्र परिवार तथा समाज बांधवों ने NBCN न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता छवि राठौर के साथ किशोर ढूंढले। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले कमिंस, ब्रांच कुठले ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।